कहां गायब हो गया आर्यवर्त, कैसे बिखर गया भारतवर्ष, किसने बिगाड़ी भारत की एकता, आखिर कितने देश थे अखंड भारत में। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सचिन राठौर आपके साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया से। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष और अखंड भारत की। भारत को अखंड इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्मू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष, भारतवर्ष में ही आर्यवर्त स्थित था। आज ना जम्मू द्वीप है और ना भारतवर्ष और ना ही आर्यवर्त, आज सिर्फ है तो भारत। आइए जानते हैं भारतवर्ष की पूरी कहानी। अफगानिस्तान, सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जो था अखंड भारत का हिस्सा। गांधार और कम्बोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। उक्त संपूर्ण क्षेत्र में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और यहाँ के राजा बौद्ध हो गए। सिकंदर के आक्रमण के समय यहाँ पर फारसी और यूनानियों का शासन हो चला था। फिर 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईसवी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में ये प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी और ब्रिटिश शासकों के भारत गंडमार्क संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान का नाम बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अलग हो गए। अब बात करते हैं आगे सिंध यानी पाकिस्तान की। 1712 ईस्वी में इराकी शासक अल हज्जा के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कसीम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 के 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण के नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध के हिंदू राजा दाहिर 669 ईस्वी के और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर शहीद हो गए। अब बात करते हैं आगे पंजाब और मुल्तान की। 977 ईस्वी में अल्पकालीन के दामाद सुबुत क्लीन के पुत्र मोहम्मद गजनवी ने बगदाद के खिलाफ के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद ने सिंहासन पर बैठे ही पहले हिंदू शासियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और उसके बाद सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में अनंतपाल को हराया। इसके बाद वो मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने में सफल हो गया। अब बात करते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक जनपद, संभवतः गांधार जनपद का हिस्सा। 321 ईपू में क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम और फिर 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक यहाँ मुगलों और गिलजियों का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। अब बात करते हैं दिल्ली पर इस्लामिक शासन की स्थापना। जिस समय मथुरा मंडल के उत्तर पश्चिम में पृथ्वीराज और दक्षिण पूर्व में जयचंद्र जैसे महान नरेशों ने शक्तिशाली राज्य स्थापित किए थे, उस समय भारत के पश्चिम उत्तर के सीमांत पर शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी नामक एक मुसलमान सरदार ने मोहम्मद गजनवी के वंशजों के राजाधिकार छीन कर एक नया इस्लामी राज्य की स्थापना की। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1170 ईस्वी में मुल्तान पर किया, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद
1179 और 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल कर ली। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशाकर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट में अपने कब्जे ले लिए। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन को यह द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया। इससे चंदावर का युद्ध कहते हैं। माना जाता है कि दूसरे युद्ध में कन्नौज नरेश जयचंद की मदद से उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। बाद में उसने जयचंद को ही धोखा दे दिया। अब आगे बात करते हैं अंग्रेज पुर्तगाली और फ्रांसीय काल में भारत की। अखंड भारत पर अंग्रेजों पुर्तगालियों और फ्रांसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई। फिर यहाँ के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने पुरीन करने का अभियान चलाया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया। जहांगीर और अंग्रेज़ों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत के अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दीन मौला। बाद में 1757 उसे भी हरा दिया गया। इसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश सेना की मदद से धीरे धीरे अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया और लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का झंडा लहराने लगा। उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम शासकों सहित सिख, मराठा, राजपूत और अन्य शासकों के शासन का अंत हो गया। अंग्रेजों ने अखंड भारत के अन्य क्षेत्र श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया। बाद में काल और परिस्थिति के अनुसार अंग्रेज पुर्तगाली और फ्रांसियों ने धीरे धीरे अखंड भारत के अन्य हिस्सों से अपना अधिकार हटाते गए और इस तरह अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होते गए। नेपाल। अब हम बात करेंगे नेपाल। नेपाल को देवगढ़ भी कहा जाता है। ये भी कभी अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता की जन्मस्थली मिथिला नेपाल में। नेपाल के जनकपुर में सीता जन्मस्थल पर सीता माता की विशाल मंदिर है। भगवान बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1500 ईस्वी में पूर्व हिंदू आर्य लोगों का शासन था, लेकिन 250 ईस्वी पूर्व यहाँ मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। फिर चौथी शताब्दी में गुप्तांश के एक जनपद रहा, जबकि 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया, जबकि 11वीं शताब्दी में नेपाल के ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। उनके बाद यहाँ पर मलल वंश का शासन रहा, फिर गोरखाओं का और फिर मध्यकाल में रजवाड़ों की सदियों में चली और ये प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने के श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह को। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमाचल के 46 के अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म हुआ। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान भी कभी भारतीय महाजनपदों के अंतर्गत एक जनपद था, संभवतः यह विदेही जनपद का हिस्सा था। यह वैदिक और बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समान थे। यह सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर राजधर्म बौद्ध ही था, जो कि पुरुष का एक जनपद था। कि पुरुष भारतवर्ष के अंतर्गत नहीं आता था, जबकि जहाँ तक सवाल भूटान का है तो ये तिब्बत के अंतर्गत नहीं था तथा ये भौगोलिक रूप से भारत से भी जुड़ा हुआ था। भूटान संस्कृत में भूद्यन के बना हुआ शब्द है, इसीलिए इसे भूटान से जाना जाता है। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम और भूटान को अंग्रेज़ों ने 1906 में स्वतंत्र संग्राम के लगातार दिया और वहाँ पर अपनी एक प्रत्यक्ष नियंत्रण में रेजिडेंट स्थापित कर दी। ब्रिटिश प्रशासन के तहत
1907 में वो राजशाही की स्थापना हुई। 3 साल बाद एक और समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि भूटान के अंतर्गत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भूटान के विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में भारत भूटान समझौता के तहत भारत ने भूटान को भी वो सारी ज़मीन उसे लौटा दी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को हर तरह की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया। अब आगे बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत को त्रिविष्ट कहा जाता है, जहाँ ऋषिका और तुषारा नामक राज्य थे। त्रिविष्ट अर्थात तिब्बत या देवलोक से विकसित मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव, स्वर्ग और अथवा अंबर से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। तिब्बत के पहले हिंदू फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचारित हुआ और ये बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। शाक्य वंशियों का शासनकाल 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। बाद में चीन के राजा का शासन रहा। फिर 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाई रखी। इसी बीच लद्दाख पर कश्मीर के शासक ने तथा सिक्किम पर अंग्रेज़ों ने आधिपत्य जमा लिया था। फिर चीन और ब्रिटिश इंडिया ने बीच 1907 के लगभग बैठक हुई और फिर इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पूर्वी भाग चीन के पास और दक्षिणी भाग लामा के पास रह गया। 1951 की संधि के अनुसार ये साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इस दौरान स्वतंत्र भारत के राजनेताओं तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल कर दी थी। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार कभी भारत देश का हुआ करता था। इसे बर्मा भी कहा जाता था, जो कि ब्रह्मा का अब प्रंश है। म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही उपनिवेश रहा है। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति की पूर्व केंद्र बन गया था। यहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध मतवलंबी हैं, जबकि मुस्लिम काल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राजसत्ताएँ कायम हो गईं। 1886 में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, लेकिन ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी में भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग। 1935 और 1937 में ताकतों को लगा कि इन्हें कभी भी भारत और एशिया से जाना पड़ सकता है। समुद्र में अपनी नौसैनिक बेड़ा बैठाने, उसको समर्थन राज्य स्थापित करने तथा स्वतंत्र संग्राम में उन भूगोलों और समाजों को अलग करने हेतु सन 1935 में श्रीलंका और सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी गई। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण में हिंदू महासागर में स्थित एक बहुत बड़ा द्वीप है। ये भारत के चोल और पांड्य जनपद में अंतर्गत आता था। 2350 वर्ष पूर्व श्रीलंका की संपूर्ण आबादी वैदिक धर्म का पालन करती थी। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था और वहाँ के सिंगल राजा ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राज धर्म घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर प्राचीन काल में शैव, यक्ष और नागवंशियों का राज था। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत श्रुपति बौद्ध ग्रंथ महावंश। श्रीलंका में आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदि मानव एक ही थे। एक खुदाई से पता चला कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषण से पता चला कि सिंगली भाषा गुजराती और सिंधी भाषा से जुड़ी हुई। ऐसी मान्यता है कि श्रीलंका को भगवान शिव ने बसाया था। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को दी। कुबेर ने रावण के इसे अधिकार में ले लिया। इसे पूर्व 5076 साल पहले भगवान राम ने रावण का संहार कर श्रीलंका को भारतवर्ष का एक जनपद बना दिया। श्रीलंका पर पहले पुर्तगालियों फिर डच लोगों का अधिकार।
शासन किया, जबकि 1800 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने इस पर अधिकार जमा लिया और 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। अंग्रेज काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंगालियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और भारत से अलग कर दिया गया। मलेशिया, वर्तमान में मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम और कंबोडिया प्राचीन भारत के मध्य प्रायद्वीप के जनपद हुआ करते थे। मले प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग मलेशिया देश का नाम था। इसके उत्तर में थाईलैंड, पूर्व में चीन और सागर में दक्षिण में और पश्चिम में मतलक्का का जलडमरू मध्य था। उत्तर मलेशिया में बुजांग घाटी तथा मुरबाक में समुद्री किनारे के पास पुराने समय के अनेक हिंदू तथा बौद्ध मंदिर आज भी। मलेशिया अंग्रेजों की गुलामी से 1957 में मुक्त हुआ। वहाँ पहाड़ी पर बुटुकेश्वर का मंदिर है, इसे बातु गुफा मंदिर कहते हैं। पहाड़ी पर कुछ प्राचीन गुफाएं भी हैं। पहाड़ी के पास स्थित एक बड़े मंदिर में हनुमान जी भी एक भीमिकाय मूर्ति है। मलेशिया वर्तमान में एक मुस्लिम राष्ट्र है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। जी हाँ, सिंगापुर भी पहले अखंड भारत का ही हिस्सा था। सिंगापुर मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास छोटा सा द्वीप है, हालांकि ये मलेशिया का ही हिस्सा था। कहते हैं कि श्रीविजय एक राजकुमार श्रीभुवन, जिसे संगलिन के लोग का राजकुमार कहा जाता है, उन्होंने यहाँ पर सिंह को देखा तो उन्हें शुभ संकेत मानकर यहाँ पर सिंगापुर नामक एक बस्ती का निर्माण कर दिया। इसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंह का शहर। बाद में ये सिंगपुर हो गया। फिर ये टेमोसेक नाम से जाना जाने लगा। सिंगापुर को हिंदू धर्म और अखंड भारत से गहरा संबंध माना जाता है। 1930 तक उसकी भाषा में संस्कृत भाषा के शब्दों का संवेश रहा। उसके बाद नाम हिंदुओं जैसे होते थे और कुछ नाम आज भी अभिप्रांत रूप से हिंदू नामक ही हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत ये दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख बंदरगाह शहर में तब्दील हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 से 1945 तक ये जापान के अधीन रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद सिंगापुर वापस अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। 1963 में फेडरेशन ऑफ मलेशिया ने इसे सिंगापुर का विलय कर दिया और मलेशिया का निर्माण किया। हालांकि विवाद और संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है। इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिण सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार। इसे सियाम के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यह हिंदू और बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक साथ प्रचलन था, लेकिन अब यहाँ एक बौद्ध राष्ट्र है। खैरात के दक्षिणी पूर्व में कंबोडिया की सीमा के पास उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यूरियाम प्रांत के प्रसाद टाइम रंग नामक सुंदर मंदिर है। ये मंदिर आसपास के क्षेत्र से लगभग 340 मीटर ऊँचा है और एक सुंपत ज्वालामुखी के मुख के पास स्थित है। इस मंदिर में शंकर तथा विष्णु की अति सुंदर मूर्तियां रखी। सन 1238 में सुजुखोई राज्य की स्थापना हुई, इसके पहला बौद्ध थाई राज्य माना जाता था। लगभग एक सदी के बाद अयोध्या के नाम से सुखधाई के ऊपर अपनी प्रभु स्थापित कर दी। सन 1767 में अयोध्या के नपतम थे थोपुरी राजधानी बनी। सन 1782 में बैकॉस के चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिससे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। यूरोपीय शक्तियों के साथ हुई लड़ाई में सियाम में कुछ प्रदेश लौटने पड़े, जो आज बर्मा और मलेशिया के अंश माने जाते हैं। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित हो गया। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया के मुसलमानों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। इंडोनेशिया एक द्वीप है। बाली
जहाँ पे लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा कहा जाता है और यहाँ एलिफेंट की गुफा भी कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल कर दिया गया। ये गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर यहीं पर है, जिसे बोरोबुदुर कहते हैं, जो जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 113 फीट है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, इसे परम्बानंद मंदिर कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कंबोडिया की। पौराणिक काल का कंबोज देश, कल का कंबोडिया और आज का कंबोडिया पहले हिंदू रहा और फिर बौद्ध हो गया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में ही स्थित है। ये कंबोडिया के अंकोर में, या जिसका पुराना नाम यशोधरपुर है। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया, जिनके शासनकाल में ये मंदिर बनाया गया। ये विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्वोत्तरी शासकों ने प्राय शिव मंदिर का निर्माण किया था। कंबोडिया में बड़ी संख्या में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहाँ भी हिंदू धर्म अपने चरम पर था। माना जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडिया नामक एक ब्राह्मण ने हिंदू चीनी में हिंदू राज्य की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर कंबोडिया देश हुआ। हालांकि कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं में इसके उपनिवेश की नींव अड़दीश के शिव भक्त राजकुमार के नाम से हुई है। अब बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा में लोग चाम कहते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हो गया और अब अधिक चाम में लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पूर्व यहाँ पर निवासी दो उपनिषदों पर विभक्त थे। हालांकि पूरे चीन राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद यहाँ के चाम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा और सभ्यता ग्रहण कर ली। अब बस इतने ही हिस्से थे। आप देख सकते हैं कि कितने सारे राज्य थे जो हमारे अखंड भारत में से अलग होते चले गए और अंत में रह गया भारत। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। जय हिंद, जय भारत।